मौज ऐप के 10 क्रिएटर्स गायब। सेलिब्रिटीज से पता चला है कि उन्हें अक्षय कुमार ने गायब किया, तो जल्दी से मौज ऐप पर जाएं और हैशटैग बच्चन पांडे की मौज में 1 बिलियन व्यूज करके क्रिएटर्स को रिलीज करवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी, मैं हूं गौरव शुक्ला। यूपी चुनाव को बीजेपी ने फतह भले ही कर लिया हो, लेकिन कई सीटें ऐसी रहीं जहां योगी मोदी लहर भी काम न आया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटों के साथ जीत दर्ज की है। बीजेपी 255 सीट जीतने में कामयाब रही, तो सहयोगी अपना दल S12 और निषाद पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन बीजेपी की इस लहर में भी प्रदेश की 3 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी नेता अपनी जमानत नहीं बचा सके। सबसे पहली सीट आती है प्रतापगढ़ के कुंडा की। कुंडा विधानसभा सीट पर जनसत्ता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया विधायक बने हैं। कुंडा सीट पर राजा भैया के खिलाफ सपा से गुलशन यादव, बीजेपी से सिंधुजा मिश्रा सेनानी मैदान में उतरी थी, लेकिन मुकाबला सपा और राजा भैया के बीच रहा और बीजेपी रेस से बाहर थी। और परिणाम जब आए तो बीजेपी तीसरे नंबर पर रही और इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। दूसरी सीट आती है बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट। रसड़ा विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार उमाशंकर सिंह विधायक बने हैं और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। रसड़ा सीट पर मुकाबला बसपा के उमाशंकर सिंह और सुभाषपा उम्मीदवार महेंद्र के बीच रहा, जबकि बीजेपी के बब्बन रेस से बाहर थे। सुभाषपा उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे और यहां भी बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। तीसरी सीट जौनपुर की मलहनी विधानसभा की है। मलहनी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी लकी यादव और जेडीयू उम्मीदवार धनंजय सिंह के बीच मुकाबला रहा। सपा के लकी यादव 97,357 वोट पाकर विधायक बने हैं, तो धनंजय सिंह दूसरे स्थान पर रहे। बीजेपी को इस सीट पर करारी हार का सामना ही नहीं करना पड़ा, बल्कि जमानत तक नहीं बचा सकी है। मलहनी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण प्रताप सिंह को चौथा स्थान हासिल हुआ और यहां भी बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी की 5 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, जिसमें बदायूं जिले की सहसवान, अमेठी जिले की गौरीगंज सीट, रायबरेली सीट, हाथरस की सादाबाद सीट और प्रयागराज की सुराव सीट थी। जबकि 2022 में 3 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सके। इन तीनों सीटों पर एक बात समान है कि विपक्षी दल के कैंडिडेट ठाकुर समुदाय से थे। साथ ही इन सीटों की एक खास बात यह रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन क्षेत्रों में कोई चुनावी रैली नहीं की। इतना ही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रतापगढ़ में राजा भैया के समर्थित कैंडिडेट के सामने बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी निर्दलीय तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।